हमारे यहाँ हमने एलोवेरा के प्लांट्स कई पॉट्स में लगाए हुए हैं, और यहाँ आप देखेंगे कि ये जो ट्रीटमेंट है, ये जो चीज़, ये जो रेमेडी है, उसमें हम एलोवेरा लीफ का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये आपने देखा कि मैंने एलोवेरा की पत्तियाँ काटी हैं और यहाँ पे नीम की पत्तियों को कूटा जा रहा है। तो हमारे यहाँ दवाइयाँ बनती हैं, जो हम कुछ आयुर्वेद की दवाइयाँ घर ही पे बनाते हैं पेशेंट्स के लिए, तो उसकी तैयारी चल रही है। उसी में से नीम की पत्तियाँ मैंने ली हैं और साथ में लिया है इस एलोवेरा लीफ को। अच्छी तरीके से दोनों चीज़ों को धो लिया गया है, छील कर अंदर से एलोवेरा लीफ का जो जेल है वो हम निकाल लेंगे, उसको इस्तेमाल करेंगे। और ये जो चीज़ मैं आज बनाने वाली हूँ, इसके कई तरीके से यूज़ होने वाले हैं और इसको इस्तेमाल कैसे करना है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है जानना। तो एलोवेरा लीफ के बारे में, जैसा कि हम जानते हैं, एलोवेरा जेल जो है वो कितना यूज़फुल है हमारे लिए, और ये अब किसी को स्पेशली बताने की ज़रूरत नहीं, हम सभी जानते हैं इसके यूज़र्स को। हमारी स्किन को हाइड्रेट करता है, रिंकल से बचाता है। नीम भी बहुत यूज़फुल है अगर एक्ने, ब्लेमिशेस वगैरह के मार्क्स हैं, पिंपल्स वगैरह अगर आपको बहुत ज़्यादा होते हैं, पिंपल प्रोन स्किन है, तो आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। आपकी त्वचा को, आपकी स्किन को अच्छी तरीके से साफ़ करता है। एंटी बैक्टीरियल, एंटी इन्फ्लामेटरी गुण होते हैं इसमें, बहुत अच्छी चीज़ है आपकी स्किन के लिए। तो इन दोनों चीज़ों को मैंने लिया है और इन्हें मैं, जैसा कि आप देख रहे हैं कि मिक्सी का जार रखा हुआ है, मिक्सर ग्राइंडर का जार रखा हुआ है, उसमें हमें इन दोनों चीज़ों को अच्छी तरीके से पीस लेना है। तो उसी की तैयारी चल रही है यहाँ पे। इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इसका यूज़ कैसे करना है वो सबसे इम्पॉर्टेंट है। वैसे तो ये जो चीज़ है वो हम किसी भी स्किन टाइप में इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इसको इस्तेमाल करने का तरीका जो है वो दो तीन तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है, जो कि आपको वीडियो के लास्ट में मैं बताने वाली हूँ। तो वीडियो बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। और यहाँ मैंने इन दोनों चीज़ों को मिक्सर ग्राइंडर में डाल दिया है और अब हम इसे अच्छी तरीके से एकदम महीन बारीक पीसेंगे। अगर ज़रूरत पड़े तो आप थोड़ा पानी भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ देखेंगे कि मिक्सचर तैयार हो चुका है और उसमें मैंने आधा चम्मच हल्दी डाल दिया है। हल्दी के गुणों से भी हम अपरिचित नहीं हैं, हमें सब मालूम है कि हल्दी जो है वो एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज़ रखती है, बहुत अच्छी है, आपकी स्किन के टेक्स्चर को इम्प्रूव करती है। तो इन तीनों चीज़ों को अच्छी तरीके से हमने मिक्स करके, और अब जैसा कि आप देख रहे हैं वीडियो में कि आइस ट्रे रखी हुई है, उस ट्रे में हमने इसको डालकर और फ्रीज़र में रख देना है। इस तरीके से ये काफ़ी दिनों तक रह जाएंगे और ये मिक्सचर जो है वो ख़राब नहीं होगा। अब मैं आपको बताने वाली हूँ कि हमें इसे इस्तेमाल कैसे करना है। तो करीब 10-15 क्यूब्स इतने मिक्सचर में बनकर तैयार हो चुके हैं। ये वही पर्टिकुलर पैक है जो अभी आपने वीडियो में देखा है, और इसको लगाने का एक पर्टिकुलर तरीका है जिसको आपको जानना बहुत ज़रूरी है। आप क्यूब्स में इसको जमा लेंगे, इस मिक्सचर को, और उसको जब आप फ्रिज में से निकालते हैं तो फ्रिज में से निकाल कर उसको पहले तो आपको डायरेक्टली अपने चेहरे पर उससे मसाज करनी है। इतनी देर मसाज कीजिए जब तक कि वो क्यूब आधी नहीं हो जाए, और जब आधी बच जाएगी तो आप एक कटोरी में उसको रख दीजिए ताकि वो थोड़ी पिघल जाए। पिघल जाए जब अच्छी तरीके से, तो आप उसमें या तो मुल्तानी मिट्टी मिलाएंगे या तो बेसन मिलाएंगे, दोनों में से जो भी चीज़ आपको सूट करती हो आप उसको मिला सकते हैं। कैसी भी स्किन टाइप हो आपकी, आप इसे बेझिझक इस्तेमाल कर सकते हैं। ख़ास तौर पर उसके लिए बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है जिसको एक्ने, पिंपल्स बार बार होते रहते हैं, अनइवन स्किन टोन होती है, चाहे तो स्किन जो है वो सन एक्सपोजर की वजह से अनइवन उसका टोन हो जाता है, या फिर झाइयाँ आ जाती हैं, या फिर सन बर्न हो जाता है, तो उसको बहुत अच्छी तरीके से ये क्लीन कर देता है। हफ्ते में दो बार ही आपको इसको इस्तेमाल करना है। जब आपने बची हुई आइस क्यूब में मुल्तानी मिट्टी या फिर बेसन, दोनों में से कोई भी एक चीज़ को डाल दिया, तो ये अच्छी तरीके से बाइंड हो जाएगा, फिर ये फेस पैक की कंसिस्टेंसी में आ जाएगा, फिर आपको इसको अपने पूरे फेस पर अप्लाई कर लेना है। ठीक है, जिस तरीके से मैंने लगाया हुआ है, आप इस चीज़ को न सिर्फ अपने चेहरे पर इस्तेमाल कर सकते हैं बल्कि अपने हाथों पर और अपने पैरों में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत अच्छी चीज़ है, किसी भी तरीके की स्किन प्रॉब्लम है तो उसको भी ठीक करेगा, क्योंकि इसमें नीम है, हल्दी है, एलोवेरा है, ये तीनों चीज़ें स्किन हीलिंग में बहुत अच्छा काम करती हैं और आपकी स्किन को के लिए एंटी एजिंग भी है। तो ये बहुत अच्छा फेस पैक है, हफ्ते में दो बार इसको इस्तेमाल कीजिए।
और अगर किसी भी तरीके की कोई भी इरिटेशन होती है, क्योंकि किसी किसी की स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती है, तो एक बार पैच टेस्ट ज़रूर कर लें। इरिटेशन की जैसा महसूस हो या कोई एलर्जिक रिएक्शन हो तो इसको आपको यूज़ नहीं करना है, इस बात का ध्यान ज़रूर दीजिएगा। वीडियो पसंद आता है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। मेरे चैनल पर नए हैं, मुझे पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, बिल्कुल मत भूलिएगा। आप इस पैक को अपने चेहरे पर 10 से 15 मिनट रहने देंगे, जब तक ये पूरी अच्छी तरीके से सूख नहीं जाता है। उसके बाद नॉर्मल पानी से आप इसे वॉश कर लेंगे और फिर उसके बाद कोई भी मॉइस्चराइज़र जो आप इस्तेमाल करते हो उसको इस्तेमाल कर लेंगे। जितना हो सके केमिकल से दूर रहिए, केमिकल प्रोडक्ट से दूर रहिए, कम से कम कॉस्मेटिक्स का इस्तेमाल कीजिए, हर्बल प्रोडक्ट्स इस्तेमाल कीजिए, ये आपकी त्वचा में जान डाल देते हैं। तो इसको, इस रेमेडी को यूज़ करके आपको क्या असर दिखाई दिया मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हेल्दी एंड स्टे फिट।